अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरों पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सरगुजा संभाग में बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं राजनाथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा क्षेत्र में भी सभा को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे, उसके बाद सीतापुर विधानसभा में आम सभा को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, रक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। गौरतलब है कि बीजेपी पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े जो केंद्र नेतृत्व में अपनी पकड़ रखने वाले जो नेता हैं, उन्हें तरजीह दे रही है बतौर स्टार प्रचारक। तो राजनाथ सिंह का दौरा कितना खास? देखिए बुसरा, बीजेपी का एक तरीका भी है जो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने का, और वो तमाम अपने बड़े नेता केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं, वहाँ पर चुनाव प्रचार में भेजते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के चुनाव हो। चूंकि 5 राज्यों के चुनाव चल रहा है और सबसे जो अहम राज्य है बीजेपी के लिए वो छत्तीसगढ़ है। अगर तीनों राज्य को मिलाकर देखा जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ज्यादा महत्व केंद्रीय नेतृत्व दे रहा है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम स्थानीय नेताओं ने कमान संभाली हुई है। उस तरीके का जो दौरा है राष्ट्रीय नेताओं का, कांग्रेस की ओर से नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्थानीय जो नेतृत्व है उसको दरकिनार कर केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। अलग अलग इलाकों में जाकर, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम नेता हो, असम के मुख्यमंत्री हो, लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोशिश उनकी है कि यहाँ पर हिंदुत्व का कार्ड भी एक तरीके से खेला जाए। कवर्धा में भी जिस तरीके से लगातार हेमंता विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ की सभा कराई गई, वहाँ पर उनकी सभा कराने के पीछे की वजह वही थी कि वहाँ पर हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश बीजेपी ने की। तो इसी कड़ी के तहत, इसी क्रम के तहत ये तमाम नेताओं का दौरा हो रहा है। और राजनाथ सिंह आज सीधे दिल्ली से सरगुजा संभाग में पहुंचेंगे, रायगढ़ पहुंचने के बाद सबसे पहली सभा उनकी सीतापुर विधानसभा में होगी, जहां पर मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस की ओर से हैं। वहां पर नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया गया है जो बीजेपी में कभी नहीं थे बीजेपी की ओर से। इसके अलावा चिरमिरी, भरतपुर, इन अलग अलग विधानसभाओं में राजनाथ सिंह का दौरा होगा, उनकी सभा होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो चुनावी सभा है वो पाटन में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वही से चुनाव लड़ रहे हैं, और विजय बघेल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं, उनके पक्ष में वहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रचार करते नजर आएंगे। चलिए हेमंत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।